हम सिर्फ लीवर के उन फंक्शंस का मुतालिया करेंगे जिनका ताल्लुक किसी ना किसी तरह बॉडी में होमियोस्टेसिस से जो है वो वाबस्ता है। इस हवाले से अगर हम बात करें तो पहला जो फंक्शन है वो है सिंथेसिस। यार नहीं, गल नहीं बन रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बात करेंगे हम मेजर होमियोस्टैटिक फंक्शंस ऑफ लीवर। हम जानते हैं कि लीवर हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है, लेकिन यहाँ पर हम लीवर इस टॉपिक में हम लीवर के सिर्फ उन फंक्शंस का मुतालिया करेंगे जिनका ताल्लुक किसी ना किसी तरह बॉडी में होमियोस्टेसिस से है। इस हवाले से अगर हम देखें तो नंबर वन जो है वो है सिंथेसिस। लीवर हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ों को सिंथेसाइज करता है जो कि किडनी को प्रोवाइड की जाती हैं। लीवर उन चीज़ों को सिंथेसाइज करने के बाद किडनी को प्रोवाइड करता है और ताकि किडनी जो है उनको बॉडी से जो है वो रिमूव आउट कर सके। जैसे कि अगर हम बात करें नंबर वन नाइट्रोजनस वेस्ट, जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी में बनते हैं वो लीवर के अंदर जो है वो बनते हैं। जैसे कि हम बात कर चुके हैं अपने पिछले टॉपिक्स में भी, अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, तो एनिमल्स की बॉडी में ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं ये कौन बनाता है? लीवर बनाता है। अब लीवर जब इन नाइट्रोजनस वेस्ट को, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड को जब तैयार करता है, तो तैयार करने के बाद, सिंथेसाइज करने के बाद लीवर इन नाइट्रोजनस वेस्ट्स को ब्लड में शामिल कर देता है। अब वो ब्लड जिसमें ये नाइट्रोजनस वेस्ट मौजूद हैं, वो ब्लड जब किडनी में दाखिल होता है तो किडनी जो है, किडनी हम जानते हैं ब्लड की फिल्ट्रेशन का काम करती है, तो किडनी क्या करेगी? किडनी उस ब्लड में मौजूद इन नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करेगी और अल्टीमेटली जो है वो डिस्पोज ऑफ कर देगी। अल्टीमेटली इन वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से जो है वो बाहर निकाल देगी। तो लीवर नाइट्रोजनस वेस्ट को तैयार करके ब्लड में शामिल करता है ताकि वो किडनी तक जाए, और किडनी तो एक तरह से लीवर जो है वो किडनी की हेल्प कर रहा है उन वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, ठिकाने लगाने के लिए। इसी असना में अगर हम मज़ीद बात करें तो लीवर जो है वो बहुत सारी प्रोटीन्स भी तैयार करता है जो कि ब्लड के प्लाज्मा में जो है वो पाई जाती हैं। आप जानते हैं ब्लड के जो है वो दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल्स। प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कुछ प्रोटीन्स हैं, प्रोथ्रोम्बिन है और फिब्रिनोजिन जो है, ये प्रोटीन्स लीवर के अंदर जो है वो तैयार होती हैं। अब ये फंक्शन क्या परफॉर्म करती हैं हमारी बॉडी में? ब्लड क्लॉटिंग का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती हैं। इसके साथ साथ जो बहुत अहम है, लीवर एक प्रोटीन तैयार करता है अल्ब्यूमिन। लीवर इस प्रोटीन को तैयार करने के बाद ब्लड के प्लाज्मा में जो है उसको शामिल कर देता है। अब ब्लड के अंदर, ब्लड के प्लाज्मा में ये प्रोटीन क्या करती है? ये प्रोटीन जो है ये बॉडी में जहाँ जहाँ पर वाटर और साल्ट्स मौजूद हैं जो कि ब्लड में होते हैं और टिश्यू फ्लूइड में होते हैं, वहाँ वहाँ पर जो है वाटर और साल्ट्स की मिकदार को मेंटेन करने का काम करती है। बात की हमने कि लीवर क्या करता है, अल्ब्यूमिन प्रोटीन को तैयार करने के बाद उसे ब्लड में शामिल करता है, अब ब्लड के प्लाज्मा में शामिल करता है। अब प्लाज्मा में, ब्लड के प्लाज्मा में अल्ब्यूमिन का काम क्या है? अल्ब्यूमिन का काम ब्लड में मौजूद वाटर और साल्ट्स की मिकदार जो है उसको मेंटेन करना है, क्योंकि अगर ब्लड में वाटर और साल्ट्स की मिकदार मेंटेन होगी तो ऑटोमेटिकली बॉडी में वाटर और साल्ट्स की मिकदार जो है वो मेंटेन होगी। तो लीवर अल्ब्यूमिन को सिंथेसाइज करके बॉडी में वाटर और साल्ट्स की मिकदार को मेंटेन करने की जो है वो कोशिश कर रहा है ताकि बॉडी में होमियोस्टेसिस जो है वो बरकरार रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि लीवर जो है वो एक ग्रीन कलर का लिक्विड तैयार करता है जिसे हम बाइल का नाम देते हैं। अब बाइल क्या करता है? बाइल जो है गाल ब्लैडर से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में दाखिल होता है, जहाँ पर लिपिड्स की, फैट्स की जो है वो एमल्सीफिकेशन की जाती है।
उन्हें छोटे छोटे ड्रॉप्स में, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में जो है वो तब्दील किया जाता है, ताकि वो आसानी से जो है वो एब्जॉर्ब हो सके, हज़म किए जा सके और बॉडी का हिस्सा बन सके। इसके अलावा अगर हम बात करें लीवर जो है, लीवर के अंदर लिपिड्स भी बनते हैं, लीवर जो है वो कोलेस्ट्रोल बनाने का जो है वो बॉडी में सबसे बड़ा ज़रिया है और लिपोप्रोटीन्स जो है वो तैयार करता है। अगर हम बात करें यहाँ पर लिपिड्स की, तो लिपिड्स क्या करते हैं, लिपिड्स का काम हमारी बॉडी में, ब्लड में, लिपिड्स का काम ब्लड की जो केमिस्ट्री है उसको रेगुलेट करना है, एडजस्ट करना है। ब्लड केमिस्ट्री से मुराद है ब्लड कंपोजिशन, ब्लड की जो कंपोजिशन है कि ब्लड किन किन चीज़ों से बना है, अगर उन चीज़ों की मिकदार कम या ज़्यादा हो जाती है तो ज़रूरत के मुताबिक जो है उसको एडजस्ट किया जाता है। ब्लड के अंदर मौजूद जो कंपोनेंट्स हैं उनकी मिकदार को एडजस्ट करने का काम लिपिड्स का है। तो ब्लड के अंदर भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मेंटेन रखना है, जिनकी मिकदार को मेंटेन रखना है, उसमें लिपिड जो है वो अहम रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम कोलेस्ट्रोल और लिपोप्रोटीन्स की बात करें, तो कोलेस्ट्रोल और लिपोप्रोटीन्स जो हैं ये बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर करते हैं। इसके अलावा ये बॉडी सेल्स की जो मेम्ब्रेन्स हैं उनको मेंटेन करने का काम भी करते हैं। कोलेस्ट्रोल भी जो है वो सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है और लिपोप्रोटीन्स भी जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन जो हैं, सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल ऊपर जो हैं वो मौजूद होते हैं, रिसेप्टर्स का काम करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करने का काम कोलेस्ट्रोल और लिपोप्रोटीन्स के ज़िम्मे हैं। इसके तो हमने देखा कि लीवर बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो हैं वो सिंथेसाइज करता है, जो बॉडी में किसी ना किसी तरह जो है वो मेंटेनेंस का काम जो है वो कर रही हैं, अल्टीमेटली होमियोस्टेसिस का रोल प्ले कर रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, लीवर बहुत सारी चीज़ों को स्टोर भी करता है, जहाँ पर सिंथेसाइज करता है वहाँ पर स्टोर भी करता है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, लीवर जो है वो आयरन को स्टोर करने का काम करता है। अब आयरन जो है ये बॉडी में टिश्यूज़ को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि लीवर जब ये आयरन स्टोर करता है तो इस आयरन की मदद से ही नए रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, और वो रेड ब्लड सेल्स बॉडी में टिश्यूज़ को ऑक्सीजन सप्लाई करने का जो है वो काम करते हैं। ग्लाइकोजिन की अगर हम बात करें, तो लीवर ग्लाइकोजिन को भी जो है वो स्टोर करता है। अब ग्लाइकोजिन क्या है? ये एनर्जी का एक ज़खीरा है। तो ज़रूरत पड़ने पर बॉडी को अगर एनर्जी की ज़रूरत है तो, और लीवर में अगर ग्लाइकोजिन मौजूद है तो इस ग्लाइकोजिन की मदद से बॉडी जो है वो एनर्जी हासिल कर सकती है। नंबर 3, कन्वर्जन, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में तब्दील कर देना। लीवर सिंथेसिस के साथ साथ, स्टोरेज के साथ साथ चीज़ों को ज़रूरत पड़ने पर एक टाइप से दूसरी टाइप में भी कन्वर्ट करने की सलाहियत रखता है। मिसाल के तौर पर अगर बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, अब बॉडी चाहती है कि ग्लूकोज नॉर्मल रहे, जितनी उसकी मिकदार है, तो बॉडी क्या करेगी, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, जो ज़रूरत से इजाफी जो ग्लूकोज होगी, उसको क्या करेगी, ग्लाइकोजिन की सूरत में ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट करके उसको लीवर में स्टोर कर देगी। इसके साथ साथ ज़रूरत पड़ने पर, फॉर एग्ज़ाम्पल बॉडी में ग्लूकोज कम हो गई है, तो बॉडी में ग्लूकोज का नॉर्मल लेवल तो मेंटेन नहीं रहा, लेकिन बॉडी चाहती है कि ग्लूकोज को किसी तरह बढ़ाकर दोबारा उसका नॉर्मल लेवल बरकरार किया जाए। तो इसके लिए क्या होगा, ग्लाइकोजिन लीवर के अंदर ग्लाइकोजिन को क्या किया जाएगा, ग्लूकोज में तब्दील किया जाएगा, ताकि उसे बॉडी के अंदर शामिल करके, बॉडी के ब्लड में शामिल करके, बॉडी में जो ग्लूकोज की मिकदार कम हो गई थी उसको ज़्यादा करके जो है वो बॉडी में होमियोस्टेसिस को मेंटेन रखा जाए। इसी तरह लैक्टिक एसिड है जिसको ग्लाइकोजिन में जो है वो तब्दील किया जाता है। तो लीवर बहुत सारी चीज़ों को इंटरचेंज करने का काम भी करता है। अब ये जो सारे हैं, ग्लूकोज है, ग्लाइकोजिन है, लैक्टिक एसिड हैं, ये बॉडी के अंदर जो है वो एनर्जी का ज़रिया हैं, जिनको ज़रूरत पड़ने पर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। रीसाइकलिंग, रीसाइकलिंग का मतलब होता है पुरानी चीज़ों को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाना। तो रीसाइकलिंग, लीवर हमारी बॉडी में बहुत सारे जो ओल्ड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो ओल्ड, फॉर एग्जांपल जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं, जब बॉडी में रेड ब्लड सेल्स को तोड़ा जाता है तो रेड ब्लड सेल्स के, पुराने रेड ब्लड सेल्स को जब तोड़ा जाता है तो उससे कुछ चीज़ें जो हैं वो बनती हैं, आयरन बनती है, हीमोग्लोबिन बनती है, जिसकी, जो कि अल्टीमेटली जो हैं, जिनकी मदद से ही लीवर दोबारा नए रेड ब्लड सेल्स बनाता है। तो ये भी जो हैं वो बॉडी में क्या करते हैं, टिश्यूज़ की ऑक्सीजनेशन का काम करते हैं। टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की मिकदार कम है तो उन टिश्यूज़ को ऑक्सीजन प्रोवाइड करके मिकदार जो है वो मेंटेन की जाती है।
डिटॉक्सिफिकेशन, ये लीवर का एक बहुत अहम रोल है। लीवर हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि बहुत सारे जो ख़तरनाक केमिकल्स अगर हमारी बॉडी में दाखिल होते हैं, जैसे फूड एडिटिव्स हैं, फूड्स के अंदर बहुत सारे टेस्ट जायका पैदा करने के लिए फूड के अंदर बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स जो हैं वो ऐड किए जाते हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, कीड़े मार अदवियात, जो सब्ज़ियाँ हम इस्तेमाल, वेजिटेबल्स हम यूज़ करते हैं क्योंकि खेतों में जो है वो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट जो है वो उन वेजिटेबल्स में भी पेस्टिसाइड्स का पाया जाता है। इसके अलावा ड्रग्स हैं, तो लीवर इन चीज़ों को डिटॉक्सिफाई करने का काम भी करता है। तो अगर खुदा ना खास्ता ड्रग्स जो हैं, पेस्टिसाइड्स और फूड एडिटिव्स जो कि नॉर्मली हमारी खुराक में जो हैं, ड्रग्स के अलावा पेस्टिसाइड्स, फूड एडिटिव्स हमारी खुराक में शामिल होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी को नुकसान नहीं इतनी आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्यों? क्योंकि लीवर इनको क्या करता है, जैसे ही हमारी बॉडी में दाखिल होते हैं लीवर इनको क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाई करने के बाद ब्लड में शामिल करके किडनी में भेजता है ताकि किडनी जो है इन टॉक्सिक मटेरियल्स को बॉडी से बाहर निकाल सके। तो बात की हमने यहाँ पर लीवर के उन फंक्शंस की जो हमारी बॉडी में होमियोस्टेसिस में को में लीवर के हवाले से, तो इस हवाले से हम देखेंगे। तो MCQs तो इस टॉपिक में से खुशकिस्मती से नहीं आया। शॉर्ट क्वेश्चंस की और लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है, डेट इज स्किन डज नॉट कम विद इन डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रेटरी ऑर्गन कॉमेंट, इसमें हमने डिटेल में जो है वो लीवर के टॉपिक में बात की थी कि स्किन जो है ये एक्सक्रेटरी ऑर्गन नहीं है। अब इसको लिखना कैसे है क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई मेन पॉइंट नहीं है, पूरा क्वेश्चन ही मेन पॉइंट है। यहाँ पर हमने पूरा क्वेश्चन जो है ये बार बार बात की जा रही, पूरा क्वेश्चन हमने मेंशन नहीं करना, लाजम ने डायरेक्ट जो है वो आंसर शुरू किया। और आप देखेंगे हमने सारी रीज़न एक्सप्लेन करके जो कि हमने टॉपिक में भी पढ़ी, एंड पे देयर फॉर इसलिए इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेफिनेशन स्किन में नॉट बी कंसीडर्ड एज एन एक्सक्रेटरी ऑर्गन, वही जो क्वेश्चन उसने पूछा था उसी को जब हमने आंसर में मेंशन किया कि इसलिए हम स्किन को जो है एक्सक्रेटरी ऑर्गन तस्लीम नहीं, हमने उसको जो है वो मार्कर से मेंशन करना है ताकि उसे पता चले। ये सारी रीज़न एक्सप्लेन की गई और यहाँ पर हम उसको सम अप कर रहे हैं कि इस वजह से हम स्किन को एक्सक्रेटरी ऑर्गन तस्लीम नहीं करते, चूँकि यहाँ पर हमने हाईलाइट कर दिया, लिहाजा हमें ऊपर हाईलाइट करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, मार्कर से पॉइंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन देखें तो डिस्कस मेजर होमियोस्टैटिक फंक्शन ऑफ लीवर, तो लीवर के जो मेजर होमियोस्टैटिक फंक्शंस हैं जो कि टेबल की सूरत में हमने पढ़े, आपकी बुक में भी टेबल की सूरत में दिए गए हैं, तो कोशिश करें टेबल ही की सूरत में जो है उसको पेपर में जो है वो लिखा जाए क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर इंपैक्ट जो है वो एग्जामिनर के ऊपर जो है वो डालता है, बनिस्बत अगर आप उसको ज़्यादा डिटेल में पॉइंट्स बनाकर लिखने बैठें तो वो बेहतर नहीं होगा।